हुआ ये कि आज मैं सुबह उठा और आज करवा चौथ का दिन है और मैंने देखा कि मेरी जो वाइफ है गौरी उसे मैंने कुछ खाते हुए देखा, तो मैंने उसे जाके रोका कि तुम आज नहीं खा सकती क्योंकि आज करवा चौथ है, तुमने मेरी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है, सो ये मत खाओ। तो उसने कहा कि उसने मेरे साथ प्रैंक खेला बेसिकली, और उसने कहा कि नहीं उसे भूख लगती है और वो इन चीज़ों में नहीं मानती है। तो मैं भड़क गया हूँ थोड़ा सा कि ये क्या बात होती है, मैंने तो सोचा था कि मैं भी उसके साथ व्रत रखूँगा सो फोर्थ, तो वही मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऑफकोर्स एक मनाने वाला सीन होगा, जाके मैं उससे माफ़ी मांगूंगा कि मैंने तुम पे शक किया और मना लूँगा अपनी बीवी नहीं, दिव्यांका को तो मैं खुद भी मना करूँगा क्योंकि हमारा जो स्केड्यूल्स हैं बहुत हेक्टिक रहते हैं और उसमें फास्ट करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, 12 घंटे आप काम करो और फिज़िकल बहुत काम होता है, तो मैं तो उनको भी मना करता हूँ। और दूसरा भी दूसरी वजह ये भी है कि वो रखेगी तो मुझे भी रखना पड़ेगा। हवाएं तो ये तो शो का जॉनर ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो रहेगा और उसी में मज़ा है, दैट्स वाई वी गॉट द ऑडियंस दैट वॉचेज अस ऑन सैटरडे एंड संडे, सो वो ड्रामा तो रहेगा ही रहेगा। तो आप बाकी आप देखना शो, राज को पता नहीं, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये मेरा पहला करवा चौथ है, तो मेरी मदर इन लॉ मुझे कहती है कि सरगी इसे कहते हैं, तो मुझे भी नहीं पता था। और राज हुज़ कम फ्रॉम अमेरिका, उसे भी नहीं पता है कि सरगी क्या होता है, तो वो मुझे 5 बजे सुबह पकड़ लेता है कि मैं खाना खा रही हूँ, अकॉर्डिंग टू हिम मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, बट मैं एक्चुअली खा रही हूँ सरगी। तो और मैं उसको एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ पर वो ऑलरेडी थोड़ा सा क्यूटली भड़क जाता है मेरे पे, और फिर मैं मना नहीं सकती क्योंकि ये भी एक रिवाज है कि करवा चौथ पे आप अपने पति को मनाते नहीं हो, ये मुझे पहली बार पता चला है, आई एम लर्निंग अ लॉट अबाउट करवा चौथ। तो वही है कि नोकझोंक चल रही है क्योंकि मैं मना नहीं सकती हूँ और वो मनाने आ नहीं रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने खाना खा लिया है, तो वो नोकझोंक चल रही है ना। पहली बार ना रोमांटिकली नज़र आए राज, देखो मुझे लुक्स दे रहे हैं वो, बहुत रोमांटिक पहली बार एक्चुअली इस शो में राज नज़र आए, वरना हमेशा चिढ़ते रहते हैं मुझसे, रहते थे पर अब नहीं रहते। ये करवा चौथ है और थीम मैरिड गर्ल्स का जो है वो रेड है, गोल्ड है, बेज है, और यंग गर्ल्स का लाइट पिंक है, और बॉयज़ का आई थिंक गोल्ड, वाइट, बेज ऐसा है।